आपका प्योर लो ऑटोमेशन में। ये हमारी 200 लीटर की टॉप मॉडल मशीन है जो कि केरला जा रही है, और ये टेंडर के थ्रू हमारी दूसरी मशीन है, केरला गवर्नमेंट के टेंडर पे हमें मिल रही है, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जा रही है ये। तो एक मशीन मेरी पहले लग चुकी है और ये दूसरी जा रही है, और ये दो मशीन और पाइपलाइन में चल रही हैं। इसके कुछ ग्राफिक्स इस तरह से हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि टॉप मॉडल मशीन है, इसके अंदर ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ये हमारा नोट एक्सेप्टर है, और ये हमारी डिस्प्ले है, और ये डिस्पेंसिंग बिन है इसका। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी टॉप मॉडल में रहती है, तो QR कोड वगैरह भी इसमें है, तो QR कोड की काफ़ी मशीनें हो चुकी हैं हमारी, तो अब तकरीबन हर मशीन में QR कोड आ रहा है, और अब आगे चल के बेसिक मशीन में भी QR कोड आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करती है। ये लोकल लैंग्वेज पे हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, आपने पहले भी हमारी वीडियो देखी होंगे जिसमें लोकल लैंग्वेज हम यूज़ की है, तो मलयालम लैंग्वेज इसमें यूज़ की हुई है। साथ के साथ वॉइस गाइडेड मशीन है, सर्वर कनेक्टेड मशीन है, SMS सर्विस इसमें मिलती है, तो आप कभी भी इसको कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में हम ये मास्टर कार्ड देते हैं जो इसकी सेटिंग्स के लिए आता है, आप इसको टच करके इसकी सारी सेटिंग्स कर सकते हो, ये मैनुअली भी कर सकते हो, साथ के साथ ऑनलाइन भी आप इसको कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो, सारी सेटिंग ऑनलाइन हो जाती हैं। और ये कार्ड जो कि कस्टमराइज हर चीज़ का, हर कस्टमर का हम कस्टमाइज़ करा के देते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे, तो इसमें ऑप्शंस आ गए हमारे, और इसने तमिल लैंग्वेज में इसको बोला है, मिल्क ATM पे आपका स्वागत है, कृपया अपने ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो ये मैं डिस्पेंस के लिए जा रहा हूँ। तो ये इसमें शॉर्टकट्स बटन्स हैं, हम कुछ भी इसमें डिस्पेंस ले सकते हैं। मैं हाफ लीटर सेलेक्ट किया। पाल वितरण आरंभिकुवा स्क्रीन पर കാണുന്ന स्टार्ट बटन अमर्तुगा। अब जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा उसी हिसाब से पेमेंट कट जाएगी और अपना डिस्पेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि टाइमर लगा होता है, सारी चीज थोड़ी फास्ट करनी होती है। तो इस तरीके से देखा मैंने, हाफ लीटर इसमें डिस्पेंस लिया है, और इसी तरीके से हम इसमें QR इसमें अपना ML मोड और रुपीज़ मोड में भी आप इसमें डिस्पेंस ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कार्ड लगाया, ये डिस्पेंस पे गया। अभी सपोज करो मुझे 10 रुपये का दूध चाहिए, तो मैंने 10 यहाँ पर टाइप करके रुपीज़ सेलेक्ट कर लिया, ये रुपीज़, और सेम ऑप्शन स्टार्ट डिस्पेंस दबाऊँगा, डिस्पेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपने देखा इसमें मैंने 10 रुपये का कैसे दूध लिया। अब मैं आपको फिर से इसमें ML मोड में बता रहा हूँ ये कैसे काम करता है। अब मुझे 250 ML चाहिए, 250 ML 250 टाइप करके एंटर ML पे दबा देंगे, तो फिर वही फंक्शन आ जाएगा, 250 ML आएगा, 10 रुपये का दूध का 10 रुपये के पैसे कटेंगे इसमें, और ये मैंने स्टार्ट बटन दबाया। तो इस तरीके से इसमें हमने ML मोड और इसमें रुपीज़ मोड में और डायरेक्ट डिस्पेंसिंग। तो दोस्तों अब इसके जो सेकेंड ऑप्शन है इसका QR कोड का, कैसे दूध निकलेगा QR कोड से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको फ़ोन पे, जी पे, कुछ भी हो आपके पास, उससे आप इसको स्कैन करेंगे। मेरे पास पेटीएम है, तो मैं पेटीएम से स्कैन कर रहा हूँ। ये मैंने स्कैन किया और मेरे को 10 रुपये का दूध लेना है, तो मैं 10 रुपये इसमें पेमेंट के लिए जाऊँगा, और मेरा पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है, ये देखिए बिना कोई रिसीव्ड ऑन फोन पे डायरेक्ट बिल्कुल लाइव चल रहा है। जैसे ही 10 रुपये मैंने पे किए, 10 रुपये यहाँ आ गए हैं, मेरे को डिस्पेंस लेना है, मैं डिस्पेंस पे जाऊँगा। अभी दिखा रहा है 40 रुपये लीटर है, 10 रुपये का इतना आएगा, और जैसे ही मैं स्टार्ट डिस्पेंस दबाऊँगा डिस्पेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो
इसी तरीके से आप इसमें क्यूआर कोड के माध्यम से दूध निकाल सकते हैं, साथ के साथ आप इसमें क्यूआर कोड के माध्यम से अपना कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आते हैं, रिचार्ज करने वाले ऑप्शन पर रिचार्ज पर जाएंगे। अब इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, वो है कैश का। तो कैश कैसे काम करता है, इसमें कैश का ऑप्शन सिंपल है कि भैया कैश के लिए मान लो सपोज करो मुझे 10 रुपये का दूध लेना है, तो मैं 10 रुपये मैंने निकाले हैं और ये कैश डिस्पेंस वाला बटन को दबाऊंगा मैं और इसी से ये मेरा एक्टिवेट हो गया है। अब मैं इसमें 10 रुपये डाल रहा हूँ। अब इसने 10 रुपये ले लिए, अभी 10 रुपये यहाँ दिखा दिए, देखिए 10 रुपये आ गए हैं और यहाँ पे 250 ml यानी 250 ml दूध आएगा, 40 रुपये रेट है। जैसे ही मैं स्टार्ट डिस्पेंस दबाऊंगा, डिस्पेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से इसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं, कैश से दूध निकाल सकते हैं, कैश से क्यूआर कोड का के माध्यम से भी आप दूध निकाल सकते हो, कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से भी दूध रिचार्ज कर सकते हो, तो दूध को निकाल सकते हो। और इस तरीके से आप मतलब इसमें तीनों ही ऑप्शन से दूध निकाल सकते हैं और कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि भी मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं और लेटेस्ट नई नई वीडियोस आप लोगों के साथ लेके आते रहूं। धन्यवाद।